नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सनम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सड़क निर्माण को लेकर युवाओं ने दिया धरना, ये देखते समस्तीपुर से अरविंद कुमार के साथ धर्मविजय गुप्ता की खास रिपोर्ट। खानपुर प्रखंड मुख्यालय पर खानपुर मुख्य सड़क की जर्जर स्थिति, नाला निर्माण को लेकर आक्रोशित लोगों ने धरना दिया। आक्रोशित लोगों ने सरकार की कुव्यवस्था पर तीखी आलोचना करते हुए कहा कि सांसद विधायक के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है कि सड़क बन जाएगी, लेकिन खानपुर मुख्य सड़क प्रखंड मुख्यालय की ओर जाने वाली सड़क काफ़ी जर्जर है, जैसी कि तैसी बनी हुई है। पानी कीचड़ का अंबार लगा हुआ, जिससे आमजन को जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। रंजीतपुरवा खानपुर बाजार में तो काफ़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है, मोहल्ले वालों का बुरा हाल है। सरकार अगर इस ओर ध्यान नहीं देती तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। शिष्टमंडल ने BDO को ज्ञापन सौंपा। वक्ता के रूप में श्याम मिश्रा, युवा सामाजिक कार्यकर्ता त्रिपुरारी झा, श्यामाकांत झा, मनीष झा, नूनू बाबू, प्रभात मिश्रा समेत अन्य वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा। इसमें रोड नाला की बात है। सादीपुर से जब हम लोग प्रखंड कार्यालय आते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी आते हैं, वो सब जर्जर स्थिति में है। और यहाँ के शिष्टमंडल के द्वारा, यहाँ के जनता के द्वारा सरकार में समाहर्ता महोदय, BDO साहब महोदय, CO साहब महोदय और फिर विधायक माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक जी, तमाम लोगों को कहा गया। जदा कदा प्रदर्शन भी हुए, आंदोलन भी हुए, लेकिन अब तक परिस्थिति वैसी की वैसी बनी। जब सरकार करोड़ों लाखों आवंटन दे रही है, हर जगह सड़कें बन रही है, बिल्डिंग बन रहा है, तो हम लोग की उपेक्षा क्यों? इसीलिए हम लोगों का कार्यक्रम है कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे, बिल्कुल अनुशासित ढंग से और प्रजातांत्रिक तरीके से। लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हम थकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। ये तमाम बुजुर्ग, तमाम नौजवान साथी जो काफ़ी एनर्जेटिक हैं, जोश में हैं, वो इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए लगातार इसमें रहेंगे। हमारी कार्यक्रम आज 25 तारीख को यहाँ पे प्रखंड मुख्यालय पे रखा गया है। उसका मुख्य कारण जो है, हम लोग वर्षों से इस सड़क की दुर्दशा को देखते आ रहे हैं और आज तक सिर्फ आश्वासन मिला है यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के जो BDO साहब हैं उनके द्वारा, CO साहब के द्वारा, और यहाँ की सड़क की इस दुर्दशा से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। अगर प्रतिदिन एक दो दुर्घटना होता है, एक दो लोग सड़क पे, हमारी माताएं बहनें मोटरसाइकिल से गिर जाती हैं, वो जो है अपाहिज हो रही हैं, लेकिन इन तमाम जो है मतलब असुविधा हो रही है आम जनता को, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम लोग जो है संघर्ष की राह पर चल दिए हैं और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन इस धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हम अपनी मांगों पे अडिग रहेंगे।